मैं तुम्हें सिर्फ इतनी मोहलत दे रहा हूँ कि तुम अपना सामान पैक करो एंड प्लीज गो। वो मेरी जिंदगी के फैसले करने वाला होता कौन है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो। हुनैद अपनी माँ की बात को लेकर काफ़ी परेशान होगा। सफीना घर के काम नहीं कर सकती और नूर जहाँ का हुक्म है कि सारे काम सफीना ही देखेगी, चाहे वो घर का काम हो या फिर माँ के बच्चे का काम हो। हुनैद को माँ की ये बात सुनकर काफ़ी तकलीफ़ होगी। एक तरफ नूर जहाँ नूर बानो को भी घर से चलता कर चुकी है, जिस तरह वो नूर बानो पर चिल्लाई और उसे घर से निकाला। उसके बाद मुराद शाह भी अपनी माँ से कुछ बदजन हो चुका है। उसे लगता है कि नूर बानो के साथ उसकी माँ ने काफ़ी ज़्यादती की है। अगर नूर बानो ने सुंबल की मदद कर ही दी थी तो उसकी माँ को इस तरह सब के सामने नूर बानो की इंसल्ट करके उसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। मगर हुनैद अपनी माँ की साइड लेगा और यहाँ पर दोनों भाइयों में अच्छी खासी तकरार भी हो जाएगी। दूसरी तरफ माँ बहुत ज़्यादा खुश होगी। उसके बेटे ने उसे वो खुशी दी है जो वो चाह कर भी हासिल नहीं कर सकती थी। सफ़ीर उस पर सदके वारी नज़र आ रहा है तो नूर जहाँ उसके मुंह से निकलने से पहले ही उसकी हर बात पूरी कर रही हैं। मगर माँ जानती है कि नूर जहाँ की ये मोहब्बत उसके लिए नहीं बल्कि अपने पोते के लिए है। वो उस वक्त को कभी नहीं भूल सकती जब नूर जहाँ सुंबल की खातिर उसे इस घर में नहीं आने देती थी। अब उसकी वजह से सुंबल तो क्या, नूर बानो को भी घर से निकाल चुकी हैं। सफ़ीर को जब माहा इस सिलसिले में बोलेगी तो सफ़ीर उसे यही कहेगा कि वो तो यही चाहती थी कि सुंबल इस घर से चली जाए। अब वो चली गई है तो उसे क्या मसला है? नूर मामा जाने और उनका काम जाने। अगर वो उसकी वजह से अपनी दोनों बहुओं को घर से निकालती हैं तो ये उनका मसला है। माहा को इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है? क्या मुराद शाह नूर बानो को छोड़ देगा या नहीं? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें।